कृष्णा अपार्टमेंट के सभी रहवासी, सभी इस प्रभात के नगर सेवक, उपस्थित भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, 73rd इंडिपेंडेंस डे की आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग जानते हैं कि आजादी का दिन, और आजादी अंग्रेजों से मिली थी और इस देश के अंदर के 564 किंगडम्स, रजवाड़े जिन्हें हम कहते हैं, वो यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ इंडिया के रूप में हिंदुस्तान में मर्ज हो करके हिंदुस्तान बना था, इंडिया बना, भारत बना, और इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई जिसे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्होंने बनाया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 2 साल 10 महीने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज के अंदर वेटरन लीडर्स राधा कृष्ण था, ऐसे वेटरन लीडर्स में बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2 साल 10 महीने तक इस देश की घटना क्या होना चाहिए, आर्टिकल्स क्या होने चाहिए, किसके क्या अधिकार होने चाहिए, कौन सी भाषा, कौन सा प्रांत, कौन सा मजहब का आदमी, जुडिशरी कैसे होनी चाहिए, कायदे कैसे होने चाहिए, एक्ट कैसा होना चाहिए, इस देश की कुरान, गीता, बाइबल और गुरु ग्रंथ बनाने का काम होने चाहिए, जिसके तहत ये देश की लोकतंत्र चलती है, न्यायपालिका चलती है, कायदे कानून, एक्ट और लॉज बनते हैं। पिछले 5 सालों में इस कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट करने का काम और प्रयास इस देश की केंद्र के अंदर बैठी हुई सरकार, राज्य में बैठी हुई सरकार करने का प्रयास कर रही है, और वो इसीलिए कर रही है कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। मुल्क के अंदर की ग्रोथ खराब हो चुकी है, इकोनॉमिकल ग्रोथ खराब है, अनएम्प्लॉयमेंट लाखों और करोड़ों में जा रहे हैं, हर बिजनेस ठप हो रहे हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज बंद पड़ रही है, बैंक्रप्ट हो रही है, बिजनेसमैन बैंक्रप्ट हो रहे हैं, रियल स्टेट की परिस्थिति खराब है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की परिस्थिति खराब है, आप जो इंडस्ट्री कहें उस इंडस्ट्री की परिस्थितियां खराब है, वो इंडस्ट्रीज बंद हो रही है। और ये सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस ग्रोथ को कैसे संभाला जाए, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स कैसे लाया जाए, और इसी वजह से ये लोगों का ध्यान बटाने के लिए मुल्क के अंदर ऐसे मुद्दे ला रहे हैं लोगों के सामने, जिसके वजह से लोग धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे, राज्य के नाम पे मिसगाइड हो, सेंसेशनलाइज हो, इमोशनलाइज हो, और लोग इस ग्रोथ की तरफ देखना बंद कर दें, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ चर्चा करना बंद कर दें, आदिवासी, दुबली, पलित जाति, इनकी तरफ देखना बंद कर दें। इस मुल्क के अंदर 9 राज्यों के अंदर आज पूर्व परिस्थिति है, फ्लडिंग परिस्थितियां हैं। महाराष्ट्र के अंदर 12 डिस्ट्रिक्ट फ्लड के अंदर डूबे हुए हैं, और 12 से 15 डिस्ट्रिक्ट में पीने का पानी नहीं, अगस्त महीना खत्म होने को आ गया है, तो इनके पास इसकी कोई योजना ही नहीं। आज सोलापुर, सातारा, कोल्हापुर, सांगली, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, एतराब, नासिक, नागपुर की परिस्थिति बनी है, 5 लाख लोगों को स्थानांतर किया गया। अभी आप सोचिए कि अगर आपके बिल्डिंग में एक माले तक पानी भरा हो तो आपके पीने की टाकी का क्या हाल होगा, आपके सीवरेज टैंक का क्या हाल होगा, आपके यहाँ बिजली होगी या नहीं होगी, टॉयलेट्स के अंदर आप जा नहीं सकते, पीने का पानी नहीं मिल सकता, खाने के लिए नहीं मिल सकता, दुकानदार अपना पूरा माल, उनका सत्यानाश पूरा खराब हो गया है, ऐसी परिस्थिति भी 12 डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है, और राज्य सरकार के पास कोई उपाय योजना नहीं है, और 6,400 करोड़ रुपये सिर्फ राज्य सरकार केंद्र से मांगती है। किसान आज किसानित नहीं कर सकेंगे एक साल तक, 1.5 लाख हेक्टर जमीन पानी के नीचे जा चुकी है और उसकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी बंद हो चुकी है, लाखों की तादाद में गाय भैंसे जानवर जो है मर गए हैं, आपने टीवी पेपरों में देख ही रहे होंगे, ये कैसे रिहैबिलिटेट करेंगे, इसकी कोई योजना। कल ही हम मुख्यमंत्री जी के पास गए हुए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कोई योजना नहीं है। हाँ, हमने 4,400 करोड़ रुपए मंगाया, 1.5 लाख हेक्टर जमीन सरकार ने बोला कि हम 3,000 रुपए पर प्रति हेक्टर देंगे, आप हिसाब कर लीजिए तो कितना रुपया बनता है, 1.5 लाख हेक्टर जमीन को आप 3,000 रुपए हेक्टर से देंगे तो कितना रुपया बनता है,
और पैसे केंद्र सरकार से आप मांग रहे हो 6,400 करोड़ रुपए, मतलब ये दिशाहीन सरकार है, दिशाहीन मतलब इनको कोई सीरियसनेस नहीं है, इनको कोई चीज समझ में नहीं आती। लाखों करोड़ों रुपए अगर आप बेंगलुरु में कर्नाटक की सरकार को गिराने के लिए एमएलएस खरीद सकते हैं और यहाँ महाराष्ट्र में मंत्री डब्बा लेके पब्लिक के सामने घूम रहे हैं कि मदद करो मदद करो, जस्ट इमेजिन द सीरियसनेस कि आप एक एक एमएलए को खरीदने के लिए जो टीवी और पेपरों में न्यूज आई कि 25 करोड़ 50 करोड़ आप दे रहे थे, तो यहाँ आप एक एक रुपया जमा कर रहे हैं, मतलब इस तरह के ड्रामेबाजी करना, शो ऑफ करना, भाषा प्रांत मजहब के नाम पे लोगों को मिसगाइड करना, यही काम चल रहा है। मीरा भयंदर महानगर पालिका में भी वही हाल है, यहाँ पे जो बाढ़ आई लोगों के घर में पानी घुसा उसको मदद करने का काम छोड़ करके मैराथन के पीछे लाखों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। ये शहर के अंदर अंधाधुंध भ्रष्टाचार आप लोगों के सामने है, वक्तन फरक्तन आप लोगों के बीच में सोशल मीडिया के थ्रू भी आता होगा तो आप लोग देखते होंगे। ये परिस्थितियों को समझने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, इस बातों को समझेंगे और ध्यान करेंगे। आप सभी लोगों को आज़ादी की इस इंडिपेंडेंस डे पे बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराज, जय भीम।